बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज कटलेट्स या कैबेज के स्नैक्स या बंद गोभी के पकोड़े, कुछ भी आप कह दें। तो इसके लिए हमने आधा किलो गोभी का फूल लिया था, जिसको बहुत बारीक बारीक फाइन हमने लंबाई में काट लिया है। इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून चने की दाल दी थी, जिसको हमने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था, और इसको दरदरा सा कूट लिया है। तो ये इसमें चली जाएगी चने की दाल। अगर आप कूटना ना चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। और ये लिया है 1 कप प्याज बारीक चॉप किया हुआ। और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें ली है बारीक बारीक चॉप की हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना लिया तो आप चिलीज़ को स्किप कर दें। स्पाइसेस में जाएगा 1.5 टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1.5 टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। और ये 1/2 कप के करीब पार्सले या हरा धनिया आप ले लें। अब इसमें चला जाएगा 1 कप बेसन, और अगर हमें और ज़रूरत हुई बैटर बनाने के लिए तो हम और यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसमें 1 कप बेसन डाल रहे हैं। और इसमें चला जाएगा राइस फ्लोर, 4 टेबल स्पून इसमें राइस फ्लोर डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्न फ्लोर डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर को गूंद लेंगे। थिक सा बैटर बनाना है, अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि पानी कम से कम लगे और इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए। तो ये तकरीबन 1/4 कप इसमें पानी गया है, तो ये अच्छे से बैंड होना शुरू हो गई है। बेसन भी हमने 2 टेबल स्पून और डाला था, आप भी देख लें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर हमारा रेडी है, अब हम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम टिक्कियों की शेप देके कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस तरह से गोल गोल टिक्कियों की शेप में हम बनाकर कटलेट्स डालते जाएंगे। उनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं हमने वो कच्ची थी, तो हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इस तरह से लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे, और दोनों साइड से अच्छे सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो एकदम से इनको नहीं पलटना, थोड़ा सा हार्ड होने के बाद हम इनको पलट देंगे। ये थोड़े से हार्ड हो चुके थे तो हमने इनको पलट लिया है, कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ चुका है। लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। ये हो चुका था तो हमने निकाल लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। और टोटल ये कुक हो चुके हैं, तो एक बैच ये कटलेट्स का हम निकालेंगे और दूसरा बैच हम जो है पकौड़ों की शेप में आपको बनाकर दिखाएंगे। आप इस बैटर से पकौड़े भी रेडी कर सकते हैं और इस तरह से टिक्कियों की शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये हमारा एक बैच रेडी है, अब हम दूसरा पकौड़ों की शेप में डालेंगे। बैच हम थोड़ा सा बैटर हाथ में दे के फ्लैट करके पकौड़ों की तरह डाल रहे हैं। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे, और फिर
और इसे निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। कैबेज कटलेट्स और पकोड़े बनकर रेडी हैं, हमने इनको डिश आउट कर लिया है और ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम है, देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। ट्राई क्या करें, कमेंट लाइक और शेयर क्या करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।